वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें एंटर करने वाला है, कौन कौन से विशेष आपके पूरे होने वाले हैं एंड डिवाइन आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू या फिर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। ओके सो लेट्स स्टार्ट। देखो अगर आपका नेम का इनिशियल ए से लेकर एम के बीच में है तो आपको पाइल नंबर 1 को चूज कर लेना है। अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आपको पाइल नंबर 2 को चूज कर लेना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी पाइल को चूज कर सकते हो, वहाँ पर आपको मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक भी मिल जाएगा लव विद यूनिवर्स का। ओके हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका नेम का इनिशियल ए से लेकर एम के बीच में आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। देखो आपको नेम ऐसे चूज करना है जो नेम सभी लोग जानते हैं, जिस नेम से आप बहुत ज़्यादा परिचित हो लोगों के अंदर, उस नेम को आपको चूज़ कर लेना है। फाइन सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज़ किया है, देख लेते हैं उन लोगों के लिए फर्स्ट जो कार्ड है वो क्या है। 3 of Wands। फाइन, मुझे यहाँ पर साफ दिख रही है कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा कदम आप उठाने वाले हो। आप बहुत टाइम से रुके हुए हो गाइस, बहुत टाइम से स्टक हो किसी एक सिचुएशन में। कोई एक स्टेप, कोई एक डिसीजन आप लेना चाहते हो, ले नहीं पा रहे हो। हो सकता है कि आपके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं था, इनफ कोई चांसेस नहीं था, या फिर किसी के डर से आप वो काम कर नहीं पा रहे थे। तो आने वाले टाइम में आप फील्ड में उतरते हुए दिख रहे हो, रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, एंड जो रिस्क आपको सक्सेस तक पहुंचा कर रहेगा। ओके सो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आने वाले टाइम में आप एक स्टेप ऐसा उठाने वाले हो जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, बदल देगा। देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू या फिर हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। पहले मैं कार्ड्स को पूरी तरीके से ले लेती हूँ, देन आपको बताती हूँ। फाइन सो तब तक पॉजिटिव रहें प्लीज़। डिवाइन गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए, हम लोग की लाइफ में बहुत जल्द क्या एंटर करने वाला है, क्या होने वाला है। ओके 3 of Pentacles, स्ट्रेंथ। ओके टेम्परेंस, हाई प्रेस्ट, मतलब कि ये हेरोफेंट का कार्ड होता है। सो यस, यहाँ पर बहुत सारे मेजर अरकानास आ चुके हैं, आप देख सकते हो। ओके 5 of Wands एंड वाओ 10 of Cups एंड वाओ द लवर्स। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो बॉटम ऑफ द डेक में है द व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके भाग्य का जो पहिया है ना, वो घूमने ही वाला है आने वाले टाइम में। आपके पास अवेयरनेस आती हुई दिख रही है, ऑफर अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है गाइस आने वाले टाइम में। सो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में चीज़ों को सोचना है इस टाइम पर। अगर आप नहीं भी सोचोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो आपको मिलना है वो तो मिलकर रहेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी बहुत हाईली दिख रही है, वर्जिस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, सैजिटेरियस की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। सो यस यही एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ओके देखो यहाँ पर मुझे फर्स्ट जो दिख रहा है कि अपकमिंग डेज़ में आप बहुत हद तक बिज़ी होने वाले हो, अपने काम के ऊपर फोकस करने वाले हो, शिद्दत से अपने काम को करते हुए दिख रहे हो, डिटर्मिनेशन के साथ करते हुए दिख रहे हो, रात जागते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपकी आँखों में ये जुनून रहेगा कि आपको वो काम ख़त्म करना है, आपको इस काम में सक्सेस को अचीव करना है, आपको इस टारगेट को फुलफ़िल करना ही है, आपको उस मुकाम तक पहुँचना ही है। ऐसे टाइप के कुछ जुनून आपके अंदर काम करते हुए दिख रही हैं, एंड इस चीज़ के लिए आपको जितना मेहनत करना पड़े आप करोगे। ओके सो ये चीज़ दिख रही है आपको। किसी भी तरीके से एक पैसे का टारगेट ज़्यादा दिख रही है, करियर की साइड से आप बहुत हद तक मेहनत करने वाले हो, एंड देखो पढ़ाई नॉलेज गैदर करते हुए दिख रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो उस साइड से नॉलेज गैदर करते हुए दिख रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बहुत रात जग कर पढ़ाई करते हुए दिख रहे हो। ओके एंड इस टाइम पर ना आपके काम में उन्नति भी आपको दिखाई देगा। आप जितना मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको फल आता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका मेहनत पानी में जा रहा है, एंड इसकी वजह से आपके दिल में मन में बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता हुआ दिख रहा है। आप बहुत हद तक पावरफुल खुद को महसूस करते हुए दिख रहे हो, आपके पास पावर
पोजीशंस आता हुआ दिख रहा है, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आती हुई दिख रही है, जहाँ पर लोग आपको फॉलो करेंगे लिटरली पॉजिटिव वे में, लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। ओके, सो ये एक चीज़ दिख रही है। अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो अभी, तो ऐसे में आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, आपको सब्सक्राइब करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कैसे काम करते हो, कैसे बात करते हो, आपका स्टाइल को लोग बहुत हद तक फॉलो करने वाले हैं। आपके सोसाइटी के लोगों के पास आप बहुत ज़्यादा फेमस होते हुए दिख रहे हो। एंड साथ में टेम्परेंस के दौरान मुझे दिख रही हैं कि आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। एंड साथ में कुछ नया आप क्रिएट करने वाले हो, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। आपके लाइफ में जो भी होगा ना, कुछ नया होता हुआ दिख रहा है, एंड वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, ऐसा नहीं होगा कि बोर लग रहा है आपको, आप बहुत फुर्तीले तरीके से काम करते हुए दिख रहे हो। एंड आपकी लाइफ में अचानक से डिवाइन ब्लेसिंग्स के दौरान ही कुछ नया, कुछ क्रिएटिव ऐसा बन जाएगा जिसके दौरान खुशियाँ, हैप्पीनेस और ज़्यादा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ के ऊपर। एंड टेम्परेंस का कार्ड कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात भी करता है। आपके लाइफ में अगर स्टेबिलिटी नहीं था, रातों में अगर आपका नींद सही से नहीं हो रहा था, पीस चला गया था आपके लाइफ से, सो यस, तो दिख रही है मुझे ये सब चीज़ें बैलेंस में आने वाला है। ओके, एंड द हेरोफेंट का कार्ड, मतलब कि हाई प्रेस्ट का कार्ड जो है, वो एक बंद ताले को खोलने की बात करता है। आपकी लाइफ के कुछ बंद ताले हैं जो खुल नहीं रहे थे बहुत टाइम से, जिसकी वजह से आपको वो सक्सेस मिल नहीं रहा था, या फिर आप काम करते जा रहे थे, फल नहीं मिल रहा था। तो इस टाइम पर ये जो दो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य परिवर्तन करने में बहुत हेल्प करेगा। इस टाइम पर आपको ये चाबी प्राप्त होने वाला है, जिसके दौरान आप अपने भाग्य के बंद ताले को खोल पाओगे। एंड साथ में आपके पास एक शादी का प्रपोजल आती हुई दिख रही है, आपके लाइफ में एक हारमनी क्रिएट होती हुई दिख रही है, जहाँ पर लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आपके मन के कुछ विशेस पूरे होते हुए दिख रहे हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स के दौरान, फाइन। एंड यहाँ पर फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें इतने आसानी से तो आपको नहीं मिलते हैं। आपने बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा तकलीफ अभी तक डेफिनेटली उठाए हैं, किए हैं, बट कहीं ना कहीं बर्डन्स, ब्लॉकेजेस अभी भी आपकी लाइफ में हैं, बट इसके साथ सक्सेस भी है। सो आने वाले टाइम में जो भी सक्सेस, अचीवमेंट आपको प्राप्त होने वाले हैं, वो द्वंद के दौरान, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट एनर्जीज के, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट एनर्जीज को झेलने के दौरान ही प्राप्त होने वाले हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए, कुछ चीज़ों को पाने के लिए लोगों से भिड़ना पड़े, लोगों से झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स करना पड़े, या फिर थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़े। ओके, बहुत कुछ चीज़ें सोचकर एक सही सॉल्यूशन निकालना पड़े, बट कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे सक्सेस आपके हाथ लगती हुई दिख रही है। जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर लड़ोगे ना, वहाँ पर आप जीत कर आते हुए दिख रहे हो, उस फील्ड में उतर कर उस खेल में आप महारत हासिल करने वाले हो। एंड टेन ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ एंटर करने वाला है, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, आपके घर में बहुत सारे लोग इस टाइम पर इन्वाइटेड भी हो सकते हैं। एंड दिख रही है कोई शुभ कार्य, आपके घर में कोई पूजा पाठ हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, या फिर एंगेजमेंट, या फिर एनिवर्सरी, तो ऐसे टाइप्स के खुशी वाला कुछ ओकेशन आपके घर में बनता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड आने वाले टाइम में आप कहीं पर घूमने भी जा सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात जो ये दो कार्ड कर रही हैं कि आने वाले टाइम में, मतलब कि 6 हफ्तों के अंदर, या फिर बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं कि 6 दिन के अंदर आपके लाइफ में आपके सोलमेट एंटर करने वाले हैं। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो एंड बहुत टाइम से शिद्दत से वेट कर रहे हो किसी एक सही पर्सन के लिए, तो यस, आपके लाइफ में आपका ट्रू लाइफ पार्टनर एंटर करने वाला है। ओके, जो इंसान आपके हाथ पकड़ने पर फिर कभी नहीं छोड़ेगा, जो इंसान आपको बहुत केयर करेगा, एक रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में। लव लाइफ के साइड से चीज़ें बहुत बेहतर होने वाला है, लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं रीबिल्ड होता हुआ दिख रहा है चीज़ें। अगर किसी के साथ आपका अभी ब्लॉकेजिंग सिचुएशन चल रहा है, आप चाहते हो कि उस इंसान के साथ चीज़ें सही हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो इंसान भी आपके साथ आने वाले टाइम में ना कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, चीज़ों को बेहतर करने वाले हैं। रीयूनियन का चांस भी दिख रही है मुझे, पास्ट के किसी इंसान आपके लाइफ में वापस आने की चांस भी दिख रही है, एंड कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में एंटर होने की बात भी दिख रही है। सो कहीं ना कहीं आपका लव लाइफ किसी भी तरीके से वो सेटल होने वाला है। अगर आप किसी को प्यार करते हो, अभी एग्जिस्टिंग को रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो ऐसे में आपके पर्सन के साथ चीज़ें बेहतर होने वाला है। आप दोनों कहीं पर घूमने जा सकते हो आने वाले टाइम में, डेट पर जा सकते हो, एक दूसरे को ना बहुत सारा टाइम देते हुए दिख रहे हो।
एक दूसरे के फिजिकली बहुत पास आते हुए दिख रहे हो. यस, सो देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए. पॉजिटिव रहें. ओके, द टावर डेफिनेटली. ओके, देखो न्यू बिगिनिंग जहाँ पर है टावर तो रहेगा. सो आपके लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट के दौरान डिवाइन कुछ नेगेटिव चीज़ें एकदम से बाहर फेंकने वाले हैं. आपके लाइफ में जो भी वर्क नहीं कर रहा है, जो भी चीज़ें आपको टेंशन दे रहा है, जो भी हालात आपको परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से बाहर होने वाला है. ओके, एंड होने वाला है. एंड ये टावर मोमेंट ना एक मोड़ को दर्शाता है आपके लाइफ में, एक ड्रास्टिक चेंज को दर्शाता है. सो वो तो दिख ही रही है मुझे कि आपके लाइफ में आने वाला है. ओके, सो आपको घबराना नहीं है. डिवाइन को, जिनको आप मानते हो, उनको शरण करके आगे बढ़ते जाना है. आपके लिए बहुत सारा अच्छी चीज़ें, बहुत सारा खुशियाँ, ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं गाइस. ओके, सो ये जो चेंज आएगा ना आपके लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा खुशहाल होने वाला है. द मजिशियन डेफिनेटली, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एंडिंग है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, क्या ही कहने हैं. ओके, सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर फुल्ली तरीके से दिख ही रही है, क्योंकि ये डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है. सो डिवाइन ही आपके लिए ये चीज़ें तैयार कर रहे हैं ताकि आपके लाइफ में खुशी आ सके, क्योंकि बहुत सारे तकलीफ़ें आपने झेल लिए हैं, बहुत सारे दुख दर्द को आपने देख लिए हैं अवॉर्ड नहीं. ओके, डिवाइन को भी पता है कि आप थक चुके हो. सो नए खुशियों को प्राप्त करने के लिए रेडी हो जाओ. सो थैंक यू पायल नंबर वन, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय. हेलो पायल नंबर टू, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, मतलब कि आपका नेम का इनिशियल एन से लेकर जेड के बीच में आ रहा है, तो आपके लिए है पायल नंबर टू. देखो आपको उसी नेम को चूज़ करना, मतलब कि उसी नेम का फर्स्ट लेटर को चूज़ करना है जिस नाम से लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं, जो नाम आपके ऑफिशियल नेम है, जिस लोग से बहुत ज़्यादा लोग आपको पुकारते हैं, उस नाम को चूज़ करना है आपको. फाइन, सो यस, चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन से ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए. वाओ, कर्मा. सो आने वाले टाइम में आपको कर्मा मिलने वाला है. आपके लाइफ में कर्मा इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है. पिछले टाइम में आपने जो भी किया है उसका फल आपको प्राप्त होने वाला है. आपने बहुत ज़्यादा प्रे किया है, दिख रही है मुझे कि आपको आपका काम का रिजल्ट मिल जाए, आपको आपका कर्म का फल मिल जाए. तो यस, कर्मा आ रही है. देखो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा बाकी था आपके लाइफ में एंटर होना, तो वो होने वाला है आने वाले टाइम में. देख लेते हैं कि क्या लेकर आ रहा है कर्मा. ओके, सो पॉजिटिव रहे प्लीज़. डिवाइन गाइड करें पायल नंबर टू के लिए कि उनको क्या कर्मा मिलने वाला है. ओके, द हर्मिट. मैं पहले कार्ड्स को पूरी तरीके से ले लेती हूँ, देन आपको बताती हूँ. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड वाओ द सन. देखो डेक में सन कार्ड आ गया है, मतलब आपको और टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स. वाओ, सो बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं. ओके, द हाई प्रेस्ट, मतलब कि द हेरोफेंट का कार्ड है. आपके भाग्य का कुछ बंद दरवाजे खुलने वाला है, आपके भाग्य के कुछ बंद ताले खुलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चाबी है ना, ये इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है. कोई नया पैथ आपको दिखने वाला है, कोई नया रास्ता आपको मिलने वाला है, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको सक्सेस तक ले जाएगा, डायरेक्टली आपके मंजिल तक आपको पहुँचा देगा. अभी आपको और दुख दर्द नहीं सहना पड़ेगा, जितना था सहना आपने सह लिया है. ओके, कर्म कर लिया है, अभी आपका फल पाने का टाइम आ रहा है. देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से, मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर अर्थ साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एंड यस, लियो की एनर्जी अलग से दिख रही है. फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, वर्गो की एनर्जी अलग से दिख रही है. ओके, लिब्रा की एनर्जी अलग से दिख रही है. यस, यही एनर्जीज हैं. द हर्मिट से मुझे दिख रही है कि बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे हो. डेफिनेटली आप कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हो, या फिर कुछ चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, तो उस साइड से कोई सही प्लानिंग आप कर नहीं पा रहे हो, या फिर कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो, इनफ रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है आपको. कुछ ना कुछ साइड से आप बहुत सा लैक करते फिर रहे हो. लाइफ स्लो हो गई है आपका, किसी भी तरीके से ना आपको
रोशनी दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपके लाइफ से परमानेंट चीज़ें हट रही है। आप जो भी चीज़ें पकड़ रहे हो या फिर जिस जगह पर आप एंटर कर रहे हो वो आपकी लाइफ में टेम्पररी बन जा रहा है। तो ऐसे में आप परमानेंसी के तलाश में हो, अनलिमिटेड पॉजिटिविटी की तलाश में हो, खुशियों की तलाश में हो, जहाँ पर एंटर करने पर या फिर जो चीज़ें आपको मिलने पर आपसे कभी नहीं छूटेगा, जो चीज़ आपके पास लाइफ लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो ये चीज़ दिख रही हैं। सो यस, देखो एक महीना 19 दिन के अंदर आपके लाइफ में ये बदलाव होने वाला है। ये आपके कर्मा के दौरान ही आपके पास आ रही है। ओके, किसी साइड से आपने बहुत शिद्दत से मेहनत किया है, बहुत प्रे किया है, मैनिफेस्टेशन किया है, उसका ही फल आपको प्राप्त होने वाला है। ये सिचुएशन एंड होकर आप जो चाहते हो आपके लाइफ में वो एंटर होने वाला है, वैसा आपका लाइफ धीरे धीरे से बनता हुआ दिखेगा आपको। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हैं। अगर किसी साइड से ना लोग आपको बहुत ज़्यादा धुतकार रहे थे, मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपको एकदम से टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लोग आपका फ़ायदा लूट रहे थे, तो ऐसे में ये सब चीज़ें बंद होने वाला है। आपने जिस चीज़ को भी हेल्प किया है या फिर जिन जिन के साथ आपने अच्छे कर्म किए हैं, वो कर्म यहाँ पर वापस आता हुआ दिख रहा है। ओके, वो लोग चाहे या फिर ना चाहे, उन लोगों की तरफ से चीज़ें आपके पास वापस तो आ ही जाएगा। अगर आपने किसी का हेल्प किया था तो उसके तरफ से आने वाले टाइम में आपको हेल्प मिल जाएगा, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो। अगर आपने किसी को पैसा दिया था, उधारी दिया था, अगर वो लौटा नहीं रहा था तो आने वाले टाइम में वो इंसान आपको पैसा लौटाने में मजबूर हो जाएगा। ओके, सिचुएशन ऐसे बदलने वाले हैं। आपके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, एंड किसी इंसान के साथ इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिलेशन में आप जाते हुए दिख रहे हो। किसी के साथ आपका दोस्ती गहरा होता हुआ दिख रहा है, कोई बहुत अच्छा दोस्त आपको इस टाइम पर मिल सकता है या फिर कोई बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो द सन का कार्ड है। द सन का कार्ड ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ डेफिनेटली दिखाई देने वाला है, हीलिंग आती हुई दिख रही है, पीस आती हुई दिख रही है, खुशियाँ आती हुई दिख रही है। ओके, सो ये जो सन का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं आपके कुछ हेल्थ इशू से आपको बाहर ले आने की भी बात करता है। अगर आप बहुत टाइम से किसी हेल्थ इशू में जुड़े हुए हो तो वहाँ से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में अगर बहुत सारा नेगेटिविटी था, बहुत टाइम से आप रो रहे थे, कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर अंधेरा है, एंड ये इंसान ये लैंटर्न लेकर उस चीज़ को ढूंढ रहा है जो चीज़ इनको चाहिए। इनको सवेरा चाहिए, इनको सूरज चाहिए, उस चीज़ के लिए ये इंसान ना वेट कर रहा है। एंड देखो यहाँ पर सन आ चुका है, तो डेफिनेटली आपका वेट का फल तो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। जिस साइड से भी आप वेट कर रहे हो, जिस साइड से भी आप आधा अधूरा काम करके बैठे हो, पूरा होने के लिए वेट कर रहे हो, या फिर किसी की तरफ से कमिटमेंट मिलने से अगर आप खुश हो जाते हो, किसी की तरफ से कुछ चीज़ें पाने से अगर आप खुश हो जाते हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स आता हुआ दिख रहा है। ओके, आपके घर में इस टाइम पर कुछ शुभ कार्य भी हो सकता है, मतलब कि अपकमिंग 12 से 13 दिन के अंदर या फिर 13 दिन के बाद से ये साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपका कर्मा इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो टू ऑफ वंड्स। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बहुत टाइम से विदेश यात्रा के रास्तों पर रुकावटें खड़ा हो रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा था, तो ऐसे में वो रुकावटें आपके लाइफ से हटती हुई दिख रही हैं। अगर आप काम के सिलसिले में, हो सकता है बिज़नेस के सिलसिले में, हो सकता है कहीं पर बाहर जाना चाहते हो, तो यस, उस चीज़ का एक बहुत बड़ा चांस बन रही है कि आप जाने वाले हो। ट्रैवल की एक बहुत बड़ा योग बन रही है, वो चाहे आप फैमिली के साथ घूमने जाओ, अकेला जाओ, नो मैटर, घर से दूर कहीं पर जाते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी के इनविटेशन के दौरान भी आप जा सकते हो, किसी के बर्थडे में या फिर किसी के शादी में। ओके, एंड यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान दिख रही है मुझे कि आने वाले टाइम में कंफ्यूजिंग सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप रिकवर करके आगे निकलते हुए दिख रहे हो। देखो इस टाइम पर कुछ चीज़ों को समझने में, कुछ डिसीशन को लेने में या फिर कुछ काम करने में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि ये जो पट्टी है ना, ये आपको कुछ भी चीज़ें सही से देखने नहीं देने वाला है, कुछ भी चीज़ें आपको सही से सुनने नहीं देने वाला है। ये पट्टी आँख के साथ साथ कान को भी कवर कर रहा है, तो आप एकदम से डिस्टर्बिंग एक मोड पे जाने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप दुख में दर्द में भी सही हो, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। ओके, क्लैरिटी आपके पास नहीं होगा, बट ये टेम्प्ररी सिचुएशन होगा। कहीं ना कहीं सिचुएशन से बहुत जल्द
एकदम से फुल्ली परमानेंटली बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एंड अगर अभी आप इस सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप बाहर निकलने वाले हो। करीबन 2 महीने के अंदर आपके लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिख रही है, सक्सेस एंटर करता हुआ दिख रहा है मटेरियलिस्टिक साइड से। अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई किए थे तो वो लोन आपका पास होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी साइड से आपका पैसा अटका हुआ था तो वो मनी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपके काम में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, मुनाफा डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है। एंड देखो, जो लोग जॉब करते हैं उनके पोजीशन में इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। पैसों के मामले में आप लग्जरी को अफोर्ड करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। ओके, द सन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही लग्जरीनेस को इंडिकेट कर रहा है। कुछ चीज़ें अगर आप खरीदने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से तो उस चीज़ के लिए इनफ रिसोर्सेज, इनफ मनी भी आपके पास आती हुई दिख रही है। ओके, सो येस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड आपकी लव लाइफ में चीज़ें बेहतर होने की बात कर रहा है। एंड साथ में जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लाइफ में एक ट्रू लव एंटर होने की बात कर रहा है, जो कहीं ना कहीं 2.5 मंथ के अंदर एंटर हो जाएगा। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं, बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के लिए, 2-3% लोगों के लिए दिख रही हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है कि अभी से लेकर, जब आप ये रीडिंग देखोगे तभी से लेकर 6 दिन के अंदर आपके ट्रू लवर से आपका मुलाकात होगा। एंड कुछ लोगों का शादी तय होता हुआ दिख रहा है अपकमिंग डेज में, मतलब कि 2 हफ्तों के अंदर। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो एग्जिस्टिंग, सो ऐसे में, या फिर शादीशुदा हो, तो ऐसे में आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होने वाला है, हीलिंग की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हुआ था तो वो चीज़ें एकदम से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। ओके, फिज़िकली आप दोनों बहुत पास आने वाले हो। सो देखो, पहले पायल में भी ये टावर का कार्ड आया था एंड इस पायल में भी, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन सभी जगहों पर दर्शाया जा रहा है। कर्मा इन्वॉल्व होने के दौरान आपके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ये ब्रेक थ्रू आपको नज़र आने वाला है। एक ड्रास्टिक चेंज, एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है करीबन 15-16 दिन के अंदर। ओके, कुछ चीज़ों से आप एकदम से पूरी तरीके से बाहर आने वाले हो, मूव ऑन करने वाले हो। एंड देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। ओके, द एम्परर, पावर, पोजीशन आती हुई दिख रही है। देखो, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड अगर कुछ मसला आपके लाइफ में चल रहा था या फिर कोई लीगल इशू में आप पड़े हुए थे, तो ऐसे में डेफिनेटली आपके लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में आने वाला है, सिचुएशंस आपके फेवर में आने वाला है। एंड जो कुर्सी, जो पावर पोजीशन आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल रहा है, वो आपको मिलती हुई दिख रही है मुझे। यस, एंड साथ में आपके घर वाले भी आपको बहुत हद तक पूछते हुए दिख रहे हैं, आपको रेस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपकी बातें मानकर चलते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक एडमायरिंग एनर्जी मुझे मिल रहा है। ओके, बहुत सारे लोग इस टाइम पर आपको फॉलो करेंगे डेफिनेटली। यस, सो थैंक यू पायल नंबर 2, यही आपका रीडिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।